प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की बनी डॉक्यूमेंट्री सीरीज पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए इसे बैन कर दिया है तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं का इसे लेकर तंज कसना जारी है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूट्यूब लिंक वीडियो को ब्लॉक करने के फैसले के लिए तीखे तेवर दिखाए हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या PM महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोडसे के बारे में आने वाली फिल्म को भी ब्लॉक कर देंगे। ओवैसी ने कहा, मोदी सरकार ने ब्रिटिश कानूनों के आधार पर भारत में ट्विटर और यूट्यूब पर BBC सीरीज पर प्रतिबंध लगा दिया है। हम PM मोदी से पूछते हैं कि अंतरिक्ष या आसमान से किसी ने गुजरात दंगों में लोगों को मारा। उन्होंने सवाल किया कि गोडसे पर BJP की राय क्या है। अब गोडसे पर एक फिल्म बन रही है, क्या PM गोडसे पर बन रही फिल्म पर भी बैन लगाएंगे? उन्होंने BJP को गोडसे पर बनी फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की चुनौती दी है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में G20 के पोस्टर हैं जिन पर लिखा है G20 इन मदर ऑफ डेमोक्रेसी और दूसरी तरफ BBC डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाया जा रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि PM मोदी गोडसे की फिल्म पर भी प्रतिबंध लगा दे। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कथित सेंसरशिप को लेकर सरकार की आलोचना की थी। महुआ ने कहा था कि शर्म की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बादशाह और दरबारी इतने असुरक्षित हैं। BBC ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में PM मोदी के कार्यकाल पर हमला करते हुए 2 भाग की सीरीज प्रसारित की है। इस पर भारत की ओर से नाराजगी जताने के बाद कुछ प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। हालांकि इस डॉक्यूमेंट्री को BBC ने भारत में उपलब्ध नहीं किया था। हालांकि कुछ YouTube चैनल्स ने इसे अपलोड किया था जिन्हें ब्लॉक कर दिया गया है।